जी सलाम अलैकुम नियाज़ीन के व्यूअर्स, हमेशा की तरह बाबर मलिक और फहीम मलिक, दो मलिक, और आज हमारे साथ हरीफा भी मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि आज हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, और ये प्रोग्राम मेनली बाबर ही इसे मैनेज करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी ब्रेक ली जाए, उसके बाद बाबर यू विल बी चेकिंग ओवर। ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अरीफा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन की, आपके बिजनेस को समझा, जो आपका ऑर्गेनिक बॉक्स का बिजनेस है। उसके अलावा हमने आपकी एक जो कंसल्टिंग की साइड है कि आप एज ए कंसल्टेंट जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, वुमेन ओन बिजनेसेस को ट्रेनिंग देती रही हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की। इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। लेकिन आई थिंक हम सभी इस बात पे एग्री करेंगे कि वी फेल्ट कि वो दैट सेशन वॉज नॉट अनाफ, और हमें एक सेशन जरूर कम से कम आपके साथ और चाहिए, जिसमें हम आपके बिजनेस को, आपकी एक्सपर्टीज को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें। सो वेलकम, लेट्स स्टार्ट सेकेंड सेशन। अगर आप उससे पहले कोई कमेंट करना चाहती हैं तो प्लीज कीजिए, एंड देन वील मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। नहीं, थैंक यू सो मच बाबर। अल्हम्दुलिल्लाह के आपने दोबारा से मुझे मौका दिया, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद आपका, कि ये एक हम अच्छी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि और लोगों के लिए मशले राह बन सकती है, हमारी काविशें जो हैं। तो थैंक यू सो मच, पहले तो मैं यही कहूंगी, उसके बाद आप जो भी, जहां से भी बात हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां राब्ता टूटा था लास्ट टाइम जो हमने पॉज किया था आपने, तो हम उससे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सारे व्यूवर्स को जो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यूके में और दुनिया भर में देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत सलाम, और जहां पे भी रहे आप तो खुश रहे, और आसानियां आपका, और आप आसानियों के लिए एक दूसरे के लिए आसानियां बन सके, हम सारे बहुत शुक्रिया। रीफा, हमने जैसे इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो तो ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज एज वेल एज पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को इनक्रेज करना है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, नए बिजनेसेस को शुरू करें। और उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस को जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है उनको हाईलाइट भी करते रहे। आपको लेके आने का जो 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 बड़ा मकसद था वो ये था कि हम एक केस स्टडी, एक सक्सेस स्टोरी भी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें कि एक एक खातून ने बिल्कुल जीरो से, एक ग्राउंड अप, एक कारोबार को शुरू किया, स्टार्ट किया और उसको बिल्ड करके पिछले काफ़ी सारे सालों से एक कामयाबी की तरफ उसको लेके गई है। तो इसी इसी मतलब आप यू आर बेसिकली मोर ऑफ ए मोटिवेशनल पर्सन फॉर अस, जो जो आके बाकी इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट करेगा कि यहाँ पे आए और आके इन्वेस्ट करें। पिछले प्रोग्राम में हम काफ़ी सारी आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन आपने दी। अगर थोड़ा सा आप बता सकें, आपने बताया कि आपके अपने फार्म्स हैं, थोड़ा सा बता जी सकें कि वो फार्म्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं और वहाँ किस किस्म, व्हाट इज़ योर बिजनेस मॉडल देयर, वहाँ पे क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, तो वहाँ से फिर हम आगे अगले अगले सेक्शंस की तरफ जाएंगे। जी हमारा जो रीव्स ऑर्गेनिक बॉक्स है, उसका जो बेसिस है वो हमारी फार्म्स, जो हमारे पिछली दफा मैंने मेंशन किया था कि ग्रेट ग्रैंड फादर से 1947 से हमारे पास हैं। तो उसके अंदर हमारे पास तकरीबन टोटल 40 एकर्स अंडर कल्टीवेशन है, जिसके अंदर से 11 एकड़ जो है वो तकरीबन आप समझ लेके ऑर्चर्ड एरिया है, जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली होती हैं, और जो बाकी का रकबा है उसके ऊपर गंदम और कॉर्न, मकई जो है वो, और इस तरह की जो कैश और गन्ना कुछ इलाके में वो लगता है। ये एक जनरल है, और हमारा जो ये इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, और उसके अंदर एक बड़ा ही मशहूर कस्बा, पहले तो क्या होता था, बड़ा आपको पता है कि तरक्की होती है, एक टाउन है वो, और उसका नाम है रनाला खुर्द। रनाला खुर्द की एक फेमस, जो कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उस चीज को मेंशन करते हुए, कि मिचेल्स फ्रूट फार्म भी वहां का ही एक बड़ा नाम है। तो ऑर्गेनिक बॉक्स जो है वो मिचेल्स फ्रूट फार्म इज वो है वो मुल्तान रोड के ऊपर है, और हम लोग थोड़ा सा अंदर जाके जहाँ पे दो नहरें हैं, इरिगेशन पाकिस्तान का आपको पता है, इरिगेशन सिस्टम पंजाब पे स्पेशली इज वेरी गुड,
सो वी आर लकी कि हमारी बिल्कुल जो जमीन है तो वो गांव वाली साइड पे, बट नाउ इट्स जस्ट एज द टाइम हैज पास, वो बिल्कुल अब शहरी जमीन के साथ मिल चुकी है एंड वी हैव सरप्लस वाटर ऑफ दोज किनाल्स. सो बेसिकली रनाला खुर्द है, गाँव का नाम 51RA है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हमारी कल्टीवेशन ये स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक बॉक्स की, और वहां पे बिफोर वी वर डूइंग इट एज अ ब्रांड, हमारे पास वहां पे सिट्रस भी अवेलेबल था और है, और उसके अलावा हमारे पास मैंगो के भी कुछ ट्रीज थे, देन फालसा हम कल्टीवेट कर रहे थे, और उसके अलावा लेमन जो कि हमारा प्रॉपर देसी नींबू जिसको कहते हैं. और ये जितनी मैं बात कर रही हूँ सारे हाइब्रिड, इसमें कुछ नहीं है, ये सारे देसी बातें कर रही हूँ मैं आपसे, और देसी बीज है, और इस बीज को ही हम आगे लेकर के आगे चल रहे हैं, जो कि मेरे दादा ने जो प्रॉपर ऑर्चर्ड लगाया था जिसके अंदर प्रूनिंग और उसकी जो स्पेसिंग गैपिंग होती है एक एक प्लांट की, वो उन्होंने अर्ली 1980s में या लेट 1970s में लगाया था, जिसके अंदर वो प्रॉपर ऑर्चर्डिंग ऑर्चर्ड रूल्स को उन्होंने रखा था. उससे पहले इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ अ सिस्टमैटिक एज इन. तो उसके बाद से हमारी जो ग्रोथ अपनी है वो हम वहाँ पे उगा रहे हैं, गंदम उगा रहे हैं, एज आई टोल्ड यू वीट है और कॉर्न है विच इज अ मेजर कैश क्रॉप. तो कॉर्न का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में कॉर्न की जो देसी किस्म है वो बहुत कम अवेलेबल है इस वक्त. तो उसके अंदर हम उसको उसकी लिमिटेड एक हमारे पास वो जो ऑर्गेनिक कह रहे हैं या जो देसी कह रहे हैं वो एक छोटी क्वांटिटी है उसके अंदर, बट ज्यादा तौर पर वो हमारा ऐसे ऑर्गेनिक बॉक्स उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारी एक अपनी फैमिली के लिए या आप समझ लें कि वो मार्केट में बिक जाती है. सो ये हमारा एक फैमिली का चल रहा है. लेकिन जो ऑर्गेनिक बॉक्स है उसकी गंदम और उसका पूरा तरीका का जो 11 एकड़ है जो कि नाला खोर्द के अंदर 51RA के पास है, बाकी जमीन पत्तों की डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आती है, कुछ और इलाकों में भी आती है. तो ये जो 11 एकड़ जिनके ऊपर आपने मेरे से सवाल किया, वहां पे हम ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो जिनमें गंदम से लेके और हमारा बाजरा हो गया या हमारे जौ हो गई, उसके अलावा हमारा अपना नींबू और मिर्च है जिसका हम अचार बना के रहे हैं उसी के अंदर, उसके अलावा हमारे पास देसी मुर्गियां और अंडे हैं, वो भी हमारा एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है कि वो हमने किस तरह से मुर्गियों को पाला है, एक जगह पे इकट्ठा उनका एक नहीं बना दिया कि शेड बना दिया, कंट्रोल शेड या कोई इस तरह, या उनको कोई फीड दी जाती है वो भी खुला खुला अपना पैक करती हैं और अपना प्रोटीन और वो लेती हैं. सो बेसिकली वो भी एक बड़ा अच्छा मॉडल है. देन उसके अलावा हमारे पास जो वहाँ पे तकरीबन सारी की सारी देसी घी वहां से बन के आता है, भैंसे गाय हमारी अपनी है, और इसीलिए हम लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं बिकॉज ना हमारे पास इतनी कैटल है क्योंकि उसके अंदर हम संभालना और उसकी कॉस्ट फिर इफेक्टिवनेस और फिर उसकी एक जिम्मेदारी, दूध के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी बन जाता है, उसकी क्रीम निकालना उसके अंदर उसकी हिफ्जान सेहत के और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एलिमेंट्स को देखते हुए हम उसके अंदर देसी घी और मक्खन ही अभी सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाकी दूध हम नहीं ले रहे. तो उसमें हमारे पास काउज भी हैं एंड बैफलोज भी हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हम वहाँ 11 एकड़ में कर रहे हैं. ओके जी, तो थैंक यू. मुझे ये भी बताइए कि आप कुछ ना कुछ जो मैं समझ सका हूँ कुछ ना कुछ आप इन 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 रॉ प्रोडक्ट्स को जिनको आप अपने फार्म पे ग्रो करती हैं उसके बाद इसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग भी ऑब्वियसली आपके आपने जो चीज़ें बताई थी पिछले एपिसोड में उसमें नज़र आया था कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग भी हो रही है, तो वो प्रोसेसिंग आप कहाँ कर रही हैं, क्या वो चीज़ें लाहौर में प्रोसेस होती हैं या ऑन फार्म ही आपने उसकी प्रोसेसिंग के लिए कुछ ना कुछ रेडियो रखा है? जी, उसमें ये है कि जो चीज़ें तो जैसे घी है उसका तो आपको पता है कि इमीडिएटली मक्खन उसका निकालना होता है और उसके बाद उसको बनाना होता है, तो वो हम इनिशियली वहां पे अपने ऑन साइट ही कर रहे थे. लेकिन जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती गई और जैसे जैसे वो होता गया तो उसको फिर हमने लाहौर में लाके या इस्लामाबाद में, जो कि अब इस्लामाबाद में तो हम हमारी प्रॉपर मतलब बन के वहां से बच जाता है यहाँ लाहौर से, तो हमने लाहौर में फिर एक कंट्रोल एरिया में जो मेरी वालदा देख रही थी और उसको फिर हम यहाँ पे एक एक्सपर्ट हमारे गांव के एक हैं वो हमारी बैकबोन कह सकते हैं, वो ही उसको उसी उन्हीं के अंडर वो बनता है. और वो प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात की तो वर्ड प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक के साथ या प्योर के साथ हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो भी उसकी प्रोसेसिंग से आपका मुराद है कि जो भी उसकी अगली स्टेज आती है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो चल जी जी तो उसकी जो नेचुरल चर्निंग है जिसको हम उर्दू में या पंजाबी में वो कहते हैं कि रिड़कना या मदानी के अंदर आप उसको जो मैं एग्जांपल हम देसी घी के लेके चल रहे हैं,
तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक है एज आई टोल्ड यू, तो वो उसके अंदर हमारी फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर वीडियोस भी हैं, उसके ऊपर वो भी है कि मक्खन का पेड़ा निकालना और उसको हम अपना कंट्रोल्ड किचन में करते हैं, बिकॉज एज यू सेड के लास्ट टाइम हमने बात की थी पंजाब फूड अथॉरिटी की, तो हम थोड़े ऑल्दो कि इट वाज ऑल अंडर कंट्रोल बट स्टिल आई थिंक एक मार्जिन जो हो सकता है मक्खियों का, या कोई खुदा ना खास्ता अगर हम वहां नहीं है कोई एक बंदा, तो कोई किसी की भी नेग्लिजेंस जो है उसको हमने उसका मार्जिन नहीं रखा, सो वो हम यहाँ कर रहे थे. एंड सिमिलरली अचार भी हमारा यहाँ भी ही बन के लाहौर में बनता है, बेसिकली उकाड़ा से या नाला को उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रेफर करी हूँ बार बार, इट्स इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. तो हम बजाय उकाड़ा से उकाड़ा में करते हैं, तो हमने उसकी जो प्रोसेसिंग का है वो जो सारे का सारा उसका अगला जो स्टेप था वैल्यू एडिशन का, उसमें पैकिंग भी आ जाती है और सिंपली गंदम का जो पिसाई है एज इन आटा वो हमने यहाँ चक्की जो है वो उसका एक रखा हुआ है तो उसमें हम करते हैं. उसके अलावा जो दालें हैं उनको हम जो हमारे हम उनकी जो असॉर्टमेंट है या उनको जो पैकेजिंग है वो हम यहाँ करते हैं, तो उसमें सारा का सारा जो है वो लाहौर इज द बेसिस, और उसके बाद वो इस्लामाबाद जाता है. अब अदर देन चिकन, क्योंकि चिकन हमारा जो है वो हम स्लॉटर जो है वो जिंदा लेके आते हैं वहां से, और उसको यहाँ पे जिस शहर में अभी दो ही शहरों में हम दे रहे हैं स्लॉटर्ड चिकन वो लाहौर और इस्लामाबाद है, बिकॉज वी कैन नॉट कमिट इन अदर एरियाज बिकॉज वहां पे अभी ग्रिप लूज हो जाती है फिर. तो हम उसी वक्त उसको फ्रेशली जब ऑर्डर आता है एक रात पहले या दो रात पहले, तो हम उनसे जो भी उनको तारीख देते हैं उसमें हम उसको प्रॉपर तरीके से स्लॉटर करके और उसको हम फ्रोजन तरीके में बिल्कुल नहीं पहुंचाते, हम विद इन 2 से 3 आवर्स विदाउट एनी वॉशिंग उसका वो जो भी उनका हमारा तरीका कार है वो हम अपने क्लाइंट से जो हमारा डिस्कस हुआ वो होता है तो वो उनके घर विद इन 3 आवर्स वो पहुंच जाता है. सर्दियों में तो वी कैन इवन टेक फोर लिबर्टी ऑफ 4 आवर्स बट गर्मियों में इट्स नॉट मोर देन 3 आवर्स, सो ओके इट हैज टू तो बी देयर. दिस जी इज मुझे मुझे आप दो तीन चीजें जो मैंने आपकी इस पूरे कॉन्वर्सेशन में पिक की, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इनको इनको एक्सपैंड करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो आपके क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी जो इस किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं। जी आपने बात की कि जी प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग की जब बात सामने आती है तो लगता है ऐसे कि उसको मुख्तलिफ किस्म की प्रिजर्वेशन की जाएगी, केमिकल प्रिजर्वेटिव या ऐसी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी, तो ऑब्वियसली आप उसको प्रोसेसिंग इसलिए नहीं कहना चाह रही क्योंकि ऐसी कोई केमिकल प्रिजर्वेशन या जो मुजरे सेहत कोई ऐसी प्रिजर्वेशन हो वो इसमें शामिल नहीं है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ तो। और दूसरा, आपने जनरली बात की कि ओवरऑल आपकी जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड है, हाइजीन के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर आपने कहीं पर थोड़ी सी बात की थी कि उसको आप मेंटेन करते हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी का भी जिक्र आया, तो इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए कि कैसे ये दोनों चीज़ें आप इंश्योर करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों चीज़ों में, इस पर थोड़ा अगर डिस्कस करें। बात तो वही है कि जो भी आप खाएंगे मैं खाऊंगी हम चाहेंगे कि हम साफ खाएं, पहली तो जनरल बात है. तो प्रोसेसिंग की जो वर्ड है उसका वर्ड इसलिए हम यूज नहीं करते बिकॉज लोगों को जब मेरा हमारे ब्रांड का नाम है ऑर्गेनिक बॉक्स, तो ऑर्गेनिक बॉक्स डेफिनेटली इज द नेम बट हर चीज ऑर्गेनिक जिस तरह से होती है उसके अंदर आपको एक पता होना चाहिए, लोगों को अमूमन नहीं पता जो बाहर लोग रहते हैं दे आर प्रिविलेज्ड इन दिस थिंग, लेकिन एक कॉमन पाकिस्तानी समझता है कि हर चीज जिसके ऊपर वो लव्ज हम ऑर्गेनिक लिख देते हैं तो वो ऑर्गेनिक हो जाता है, लेकिन हमारे वो डेफिनेशन अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई. तो बेसिकली आप भी इसमें मुझे करेक्ट कर दीजिएगा बिकॉज आपका भी इसमें थोड़ा तजुर्बा है, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ उसमें हमारे लिए ऑर्गेनिक वही ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है कि उसके अंदर जो उसका बीज है सबसे पहले वो उसमें कोई वो ओरिजिनल बीज हो और वो नेचुरल बीज हो, वो किसी किस्म की लेबोरेटरी में या उसके अंदर जिसको हम कहते हैं नॉन जीएमओ, नॉन मतलब ये कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेजम ना हो, यानी जिस तरह अब आप आजकल देख रहे हैं कि खरबूजे की किस्में आ चुकी हैं और वो जल्दी उसकी जीएमओ करता ये है कि जो भी सीड जीएमओ होता है वो आपको एक ईयर में बहुत ज्यादा फसल देता है, आपको वो उसके उसकी उसके अंदर वो डेवलप की जाती है साइंसदान या जो जो बॉटनिस्ट मैं होते हैं आप जो उस. अगर आप इजाजत दें, मैं इसको आपके व्यूज के लिए इसको पैकअप कर देता हूँ इस तरीके से कि दुनिया भर में ऑर्गेनिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अक्सर मुल्कों ने वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के बाद उनकी सर्टिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के अदारे
जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ मुल्कों में है और कुछ मुल्कों में पब्लिक सेक्टर ही इन इदारों को ओन और ऑपरेट करता है। ये अदारे उन स्टैंडर्ड्स को मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके साइट्स पे जाके इस चीज़ को टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है कि वो SOPs फॉलो किए जा रहे हैं जो कि उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, और उसकी बेसिस पे वो एक सर्टिफिकेशन ग्रांट करता है कि जी ये प्रोड्यूसर जो है या ये प्रोसेसर जो है ये ऑर्गेनिक प्रोसेसर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई स्टैंडर्ड बना नहीं है और ना ही ऐसे कोई अदारे मौजूद हैं जो कि उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकें या जाके किसी किसी कंपनी को सर्टिफाई कर सके कि ये ऑर्गेनिक प्रोसेसर या प्रोड्यूसर है। तो उस केस में होता ये है कि एक ब्रांड सच एज योर्स वही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि जो वो वादा कर रहा है अपने कंज्यूमर के साथ वो उस वादे को इस तरीके से पूरा करे कि वो उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल हो रहे, पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल हो रहे, उसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे और जो प्योर और देसी चीज़ें हैं वही आगे लेके आई जा रही हैं। तो वो एक ब्रांड अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहा है इन एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म। Exactly. और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी कि जो इससे अगला जो स्टेप है वो ये होता है कि वो मतलब बड़े ये आम तरीके से अपने क्लाइंट को भी समझाते हैं कि वो चीज जो प्लांट पे उगे और एज इट इज आप तक पहुंच जाए फार्म टू टेबल वो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में आती है जो आपने बीज के अलावा हम बात करें, और जो चीज प्लांट में बने यानी कि उसके अंदर वो बन रही है वो प्रोसेस्ड कहलाती है। इसलिए हमारे साथ तमाम चीजें जो ऑर्गेनिक या प्योर या फार्म फ्रेश का जो कॉन्सेप्ट है इट्स के वो नेचुरल है और वो आप तक उसी तरीके से पहुंच रहा है, उस पर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं की जाती अपार्ट फ्रॉम कि हम उसको अच्छी तरह से पैक करके हाइजीन का ख्याल रखते हुए हम हफ्जाने सेहत के तौर पर इंसानी तौर पर किसी गवर्नमेंट की प्रेशर तो एक बात की बात आती है, पहले इंसानी तौर पर उसको हम आप दोनों के लिए भी है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मैं यूके की और यूरोपियन एनवायरमेंट की बात करता हूँ कि लोग क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग ज्यादा है, बहुत सारी बीमारियां आजकल नई से नई आजाद हो रही है, ये सब लोग ऑर्गेनिक फूड को बहुत ज़्यादा यानी कि पसंद करते हैं और ये ट्रेंड है लोग के जी ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं। अच्छा, अब जितनी भी आपकी गुफ्तगू हो रही थी कुछ चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई, मेरे कल में हमारे व्यूज को भी होंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक क्या है यानी कि उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं। सो ये चीज़ें मुझे आपकी बातों से क्लियर हुई और ये अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं जब एक्सपर्ट बैठे हो तो अच्छी चीजें निकल के आती हैं। और जैसी दूसरी जो बाबा साहब आपने बात की कि पाकिस्तान में वो जो एक इंटरनेशनल वे ऑफ चेकिंग थिंग्स मेरे ख्याल में अभी तक वो चीजें एस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके का काम हरीफा कर रही है उससे लगता है कि ये एक बड़ा जबरदस्त काम है और इसके लिए हमारे मुल्क में एज इन यूके में यूरोप में इसको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो वहां के पर भी जाकर बिजनेस करते हैं और इसी को वो वहां से सोर्स आउट करके यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त आप लोग बात कर रहे थे तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपकी प्रोडक्ट कैसे बन रही है, अगर कोई और चीज बताने वाली है तो बेशक आप बताइए, इस पर भी थोड़ी सी बात करें। और दूसरा क्योंकि जैसे आपके पास अल्लाह ने एक फैसिलिटी दी, आप वैसे भी फार्मिंग फील्ड से आपकी फैमिली करती रही है तो आपके पास एक एज था, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा कि लोग जो करना चाहते हैं वो इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, वो आप जैसे एक्सपर्ट लोग ही बताएंगे। तो ये बात आप दोनों पे छोड़ता हूँ और आप इस बात को आगे लेके चलें। जी रीफा बिल्कुल, अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहती हैं वो कर लीजिए, और अगर उसके साथ साथ एक जो ऑब्जर्वेशन मेरी पिछले प्रोग्राम में भी थी और इस प्रोग्राम में भी है कि आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसके अलावा भी की है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर
जो मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो फार्मर को उनके पास बहुत कम मार्जिन रहने देता है, एक बहुत बड़ा मार्जिन अपने पास रख लेता है, जिसमें ना फार्मर को फ़ायदा होता है क्योंकि उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं, और ना कंज्यूमर को फ़ायदा होता है जो बहुत महंगी चीज़ खरीद रहा होता है। वो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मार्जिन जो है वो एक मिडिल मैन अपने पास रख लेता है। आपके इस मॉडल में आपने एक सक्सेसफुली ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक फार्मर जो है वो कैसे मिडिल मैन को बाईपास करके तो कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंच सकता है, अगर उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छे प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है, वो उसको नेचर के करीब रख रहा है, तो वो अपना ब्रांड, अपना सिस्टम, अपना मैकेनिज्म बना के तो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। तो जो मिडिल मैन है उसमें वो आरती भी आ जाता है, होलसेलर भी आ जाता है, फड़िया भी आ जाता है, और उसके बाद रिटेलर भी आ जाता है। मुझे तो ये भी बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि वो डायरेक्ट फार्मर जो है वो पहुंच रहा है कंज्यूमर तक। मेरे लिए तो ये मॉडल इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर भी अगर आप बात करना चाहें अदर देन जो फहीम साहब ने बात की। बिल्कुल फहीम साहब, शुक्रिया, आपने वो अपॉर्चुनिटी तो थी, और अल्लाह करे कि ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला बाकियों को भी दे, अगर जिस तरह मुझे मिली है, वैसे नहीं तो बहुत सारे और तरीके हैं जिसके ऊपर हम बात करें, कर भी सकते हैं, और कर भी अगर हमसे रब्ता करें तो हम बता भी सकते हैं। जो बाबर आपकी बात है वो बेसिकली आपको पता है दुनिया भर में पिछले कुछ 10 साल से, जिस तरह फहीम साहब ने कहा कि यूरोप में और यूके में और यूएस में एंड इवन इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो तो वैसे बहुत आगे हैं सारे कुछ में, दे आर द लीडर्स आई वुड से, न्यूजीलैंड खास तौर पे, तो उन्होंने तो बहुत काम किया है इस वर्ल्ड के ऊपर और इस पे दुनिया को अवेयरनेस दी है। और हम लोग जो लोगों का मुंह लाल देख के अपने आप को थप्पड़ मार के लाल कर रहे थे कि हम पैकेज फूड की तरफ जा रहे थे, और हम वो नूडल्स, मतलब नाम नहीं लेती ब्रांड्स का, बट हम वो वाली चीजें खाना शुरू हो गए थे जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, और हालांकि हम वो लोग थे जिनसे वो लोग पहले हमसे खरीदा करते थे, बट उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने इस बात पर रिसर्च की, उन्होंने इस बात के ऊपर जर्नल्स लिखे। तो पिछले 10-12 सालों से ये जो ट्रेंड शिफ्ट आई है, एक पैराडाइम शिफ्ट है टूवर्ड्स ऑर्गेनिक या फार्म फ्रेश, तो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जो मैं बार बार अपनी गुफ्तगू में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और आपके साथ भी किया है, वो है फार्म टू टेबल। ये फार्म टू टेबल इज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, डेफिनेटली इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी एक्सप्लॉयड मिडिल मैन की वजह से होता है और होता आ रहा है अभी भी। जो उगाने वाला है उसको वो बेनिफिट या वो नजर, उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलता, मैं प्रॉफिट भी नहीं कहूंगी क्योंकि जो खेती बाड़ी से लगा हुआ होता है इंसान होता है ना, उसको प्रॉफिट अल्लाह ही देता है, जब उसकी गंदम का सिट्टे पे गंदम उगती है तो वो प्रॉफिट उसका आ जाता है, वो एक उसके अंदर वो एक नेचुरल चीज होती है। लेकिन जो उस बेचारे की मेहनत और खून पसीने की जो उसने अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाना है, उसको हम नहीं करते। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि मैंने पिछले अगेन 10-12 सालों में देखा कि फेयर ट्रेड भी एक ऐसा इदारा बना दुनिया में कि वो जो ट्रेडर्स जो भी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो बनाना कोई भी बनाते हैं, वो सर्विसेज देते हैं या वो प्रोडक्ट्स देते हैं, तो वो अफ्रीकन उसमें ये ज्यादा हुआ था, ये वहां से ये स्कीम शुरू हुई थी कि अफ्रीका में जो भी उगता था उसको उनकी फेयर वेजेस नहीं मिलती थी, एट द एंड ऑफ द डे मिडिल मैन एक्सप्लॉयट करता था, रिटेलर एक्सप्लॉयट करता था। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जब ये मॉडल को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब मैंने इन्विजन किया और मैंने देखा कि हमारे पास सारे मसाला और इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो हम इसको करें, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि ये वहां से खेत से आए, उसको वो हम बोरिंग में उसको पैक करें और वो हमारे पास पहुंच जाए, और उसको जब ऑर्डर आए तो उस वक्त हम उसको उस लफाफे में या उस पैकिंग में उसको पैक करके दें, वो उस वक्त उससे पहले वो पैक भी ना हो, क्योंकि एक तो उसके अंदर उसकी प्योरिटी, उसकी फ्रेशनेस रहती है, आटा भी उसी वक्त पिसाया जाए। तो ये जो फार्म टू टेबल का कॉन्सेप्ट है ये है बहुत मुश्किल, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी में एवरी डे वी आर ऑन टोज, वी कैनॉट हैव हॉलीडेज, इवन अगर हमने मंडे को कोई डिलीवर करनी है तो हमें संडे को उस पर काम करना होता है, तो और उसके अलावा हमें उसकी प्रिजर्वेशन जो है, क्योंकि उसमें आप कोई पेस्टिसाइड्स नहीं यूज कर सकते, आप उसको किसी जगह कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते, सो ये भी अल्लाह का निजाम है कि जो जिस सीजन का फ्रूट है वो उसी में खाएं, उसके अलावा ना खाएं। तो अगर उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, जो कि आजकल फर्मेंटेशन का एक बहुत अच्छा निजाम अगेन दुनिया उस पर जा रही है, तो हम एचआर की शक्ल में उसको, हम सिरके में नेचुरल सिरका जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं,
या नींबू का रस इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसके थ्रू प्रिजर्व करें तो ये एक मिडिल मैन के को निकालना हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत इजी भी रहा, क्योंकि हम लोग शायद मेरी ओरिएंटेशन भी थी और जो मेरे साथ काम कर रहे थे मेरी वालदा थी, शुरू में टीम में मेरा भाई था और उसके बाद में मेरे हस्बैंड शामिल हो गए, तो उसमें कि हमारा एक सबका एक हम एक पे थे। उसके अलावा जो हमारे पीछे लोग थे वो भी, उनको जब हमने सिखाई ये बात और बताई ये बात तो उनको समझ में आ गई। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए है कि मिडल मैन, जैसे देसी मुर्गी को ले लें, अब कहने को हमारी देसी मुर्गी का एक अपना रेट है, तो वो हम रेट उस चीज का ये नहीं देते कि जी मुर्गी तो आपको, देसी मुर्गी तो शायद आपको किसी भी कॉर्नर वेंडर शॉप से मिल जाएगी देसी जो कहते हैं, बट उसको फीड वो क्या दे रहे, तो वो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि वी आर समबडी वेरी हाई ऑफ क्वालिटी, बट वो मिडल मैन अगर आपको फर्ज करें कि 450 रुपए का किलो दे रहा है या 550 रुपए की देसी मुर्गी की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रॉयलर, मैं देसी मुर्गी की बात कर रही हूँ, अगर वो उसमें दे रहा है तो उसके अंदर अभी उसका अपना कट शामिल है, तो वो क्या उसको दे रहा होगा और कितना वो उसको ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होगा उस चिकन के ऊपर कि वो आपको 550 रुपए की, आपको 1.25 किलो या 1.5 किलो की मुर्गी मिली। और अगर मैं उसके अंदर फर्ज करें कि जो उसके अंदर मेरी 1/3 या 2/3 उसमें कीमत एडेड है, तो अगर वो 1000 को या 800-900 को टच करती है, एज अ मैं एक चिकन की बात करी हूँ, पर केजी की बात नहीं करी, अगर आपको एक मुर्गी, मेरी देसी मुर्गी अगर 800-900 की या 1000 रुपए की पड़ती है, तो फिर उसके पीछे एक वो पूरा एक R&D है, उसके पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे एक मिडल मैन को कट किया गया, और वो उसकी वजह ये है कि मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आपको भी पता है यहाँ गोभी के और वेजिटेबल के ट्रक्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनमें सूंडियां छुपाने के लिए, वो जब ट्रक लोड हो रहा होता है हमने खुद देखा है कि वो स्प्रे कर रहे होते हैं उसके ऊपर ताकि वो बैठ जाए नीचे, वो बिक जाती है चीज और वो घरों में पहुंच जाती है, और आप और मेरे बच्चे जो है वो खाते हैं, क्योंकि हम गोभी हर कोई उगाता नहीं है, तो वो हमारे फिर जिस्मों में वो सराइयत करती है और वो किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्थ पे वो असर डालती है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि मिडल मैन ना सिर्फ अपना प्रॉफिट कट ले रहा है बल्कि वो हमें चीज भी गलत दे रहा है। मुझे तो इस बात पे बहुत, मैं इसमें आऊंगा, ये तो ऑब्वियसली आप अपने काम को बड़ी कन्विक्शन के साथ, और इसलिए आपके पास अपना क्लाइंटेल भी है, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली आपने अपनी प्रोडक्ट को जितना बेटर करेंगे, जितने उसमें ये सारे मेजर्स लेंगे, उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर बाबर को याद हो तो हम पीछे हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, सो बहुत सारी चीजें जो उनसी हैं, जब आप उनको ऑफ सीजन, जैसे भी आप बात कर रही थी कि उसे अगर आप सही तरीके से प्रोसेस करके ड्राई कर लेते हैं तो उनकी मेकर में क्वालिटी नहीं जाती। बाबर अगर आप मुझे से बेल आउट करें, जैसे अमूमन हमारे घरों में हमारी खवातीन वो करेले टांग लेती थी रस्सियों से बांध के, वो जब सूख जाते थे पकाए जाते थे, इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती थी, तो उसमें बल्कि उसमें टेस्ट भी आ जाता था, मेकर में उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स नहीं जाती थी। ऑब्वियसली उसका पानी ड्राई हो जाता, जैसे आप दोबारा उसको पानी में डालते थे तो हो जाता था। तो इनिशियली इस काम में ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि आप उसे एडेबल करते हैं, यानी कि उसे आगे प्रोसेस करते हैं, तो उसमें भी अगर हाइजीनिक का ख्याल किया जाए तो और बेटर हो सकता है, उसमें प्रोडक्शन बेटर हो सकती है। ऑब्वियसली एक मार्केटिंग की बात आ गई, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि कोई, मैं अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुझे वहाँ पे काम करना है, मैं उधर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने इस तरह का कोई काम करना है, एक तो मैं हेल्थी फूड दे रहा हूँ, दूसरा मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं उसे प्रोसेस करके लोकल मार्केट में अपनी रिटर्न ले लूँ, उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, उसकी हमें यहाँ पे अच्छी प्राइस मिल जाएगी क्योंकि लोग जो उनसे हैं वो उसको देखते हैं। उसमें सिर्फ हमें यही मेजर लेने पड़ेंगे कि जैसे लोग डब्बों में पैक करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कम करते हैं या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ उनको मिलाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ जो सी ऑर्गेनिक चीज़ें जो सी हैं वो गड़बड़ हो जाती है। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि क्या वाकई ऐसे है, और कैसे किसी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई ये बिजनेस करना चाहे, हम थ्रू आउट इसी पर बात करते रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑब्वियसली आपके पास तो एक सक्सेसफुल मॉडल है, और जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल समझ आ रही है कि आप देख रही हैं कि आपकी लोकल मार्केट में लोग उस तरीके से प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे,
बल्कि बाज दफा लोगों को वो खाना दे रहे हैं। मेरी नजर में, मैं वैसे आपको एज ए एक्सपेरिमेंट कुछ बात बताता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप बीमार होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हेल्थ गवर्नमेंट देती है, तो वो आपको बीमार ही नहीं होने देते, क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो इनके ऊपर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। जैसे अभी भी पाकिस्तान में ऑब्वियसली खुदा ना करे को बंदा बीमार हो जाए, आप एक तरफ से तो कॉर्नर कटिंग कर लेंगे, आप एक सस्ती चीज भी लेके खा लेंगे, लेकिन क्या पता उसकी वजह से आप इतने सीरियस बीमार हो कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपका 1-2 लाख बिल आ जाए, तो वो जो सारी आपने 10 रुपए की या 20 रुपए की बचत की है, बेसिकली आपने उसको पता नहीं किस रास्ते से निकाला है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां तो आप गलत फूड खाने से ही होती हैं। सो यहाँ पे एज इन यूके में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को बीमार होने ही ना दे, मीन्स के आपने जितना ऑर्गेनिक खाएंगे, जितना बेटर खाएंगे, जितना कंट्रोल से खाएंगे, जारी बात है डाइटिशियन कहते हैं ये ज्यादा कैलोरीज करता है, ये कम करता है, वो इकलौता डिबेट हो जाएगी, लेकिन जितना भी ऑर्गेनिक है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको मिनरल सही देता है, और मेरे ख्याल में उसमें आपके पास फैटीनेस भी नहीं आती। सो मैंने ये बात इसलिए की है कि बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग जैसा काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या पता बहुत सारे लोग आप लोगों से ही आगे से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ले, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लेआउट बनाया हुआ है, कल को या वो खुद भी करना चाहे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आर प्लेंटी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में इस पर अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में ठीक होगा। जी फहीम साहब, शुक्रिया, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने कही है बहुत अच्छी है, और इसके अंदर हमारे पास गैप्स जो अवेलेबल हैं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि हम पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर रहते हैं, तो हर चीज इतनी भी मतलब नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा फिर भी थोड़ा सा वो है, लेकिन है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब नॉट एज अ ब्रांड एज वेल, लेकिन वो काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और उनकी वो बात इसीलिए आगे, उनकी दुकान या उनकी जो जगह बिजनेस की वो आगे बढ़ती है, चाहे वो एक छोटा दुकानदार क्यों ना, क्योंकि वो अच्छी चीज दे रहा है, तो वी आर प्राउड कि हम उनके साथ, वो हमारे साथ, मैं उनके साथ कम्पीट क्या करी, वो मेरे साथ कमा रहे इस लेवल के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं, सो वी आर प्राउड टू बी देयर कम्पिटिटर्स इन दैट। बट जो आपने बात की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की फॉर इन्वेस्टमेंट, सब पहली बात तो ये है फहीम साहब कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में हमारा सबका अपना अपना एक है, जो लास्ट टाइम हमने थोड़ी बात की थी कि अगर हमारे साथ कोई मिल के, जैसे मेरा ब्रांड है या और ब्रांड्स हैं, तो उनके साथ अगर मिल के ये हमारे लिए, जिस तरह आपके वहाँ मार्केट में, मैं नाम तो नहीं लूंगी इन बड़े ब्रांड्स के, लेकिन इंडियन बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि साग भी प्रोवाइड करे, इवन मिचल्स भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में मिचल्स लेके आ रहा है साग, आप खा सकते हैं, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई है बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा एक मॉडल ऐसा है जो कि SME में फिट होता है, स्मॉल एंड मीडियम में, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमारे जैसे ब्रांड के साथ आके करना चाहे, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोकल तजुर्बा है और उनका वहां पे, उनके पास विल टू डू है, दे हैव द मनी टू डू इट, तो वो हमें वहां से प्लांट की शक्ल में या वो अपनी वो सारे कुछ में वो कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि सबसे बड़ी तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि हम उसको पैकेजिंग को उस लेवल पे ले जाए कि वो एक्सपोर्ट, पहले तो नेशनल मार्केट में उसको हम लेके आए, एज वो एक्सपेरिमेंटेड हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम वहाँ उनके साथ जा सकते हैं। दूसरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि कोई लोग हमारे साथ, जिस तरह ये बाबर मलिक का भी इसमें काफी काम कर भी रहे हैं और हम सारे मिलके कर रहे हैं, इस फील्ड के लोग जो एग्री बिजनेस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, के पॉलिसी में ये जो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन और सर्टिफिकेशन है, इसको कोई हम एक जेनेरिक रूल दे दें ताकि हम इसकी इम्पोर्ट जो है वो, एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। अभी वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होती है या उसके अंदर हमें मतलब ऑनेस्टली हमें ऑर्गेनिक वर्ड ड्रॉप करना पड़ता है, तो जब ऑर्गेनिक वर्ड ड्रॉप करेंगे तो वो इंडिया के साथ उसी वाली शेल्फ पे तो पड़ी नहीं होगी ना, वो तो फिर फार्म फ्रेश और फार्म प्योर पे चली जाएगी, सो वो उसकी उसकी जो चीजें हैं, तो आई थिंक उसके अंदर अगर सर्टिफिकेशन के अंदर हमारे साथ कोई हेल्प करना चाहे, वैसे हम लोग, मेरे अपने ब्रांड की जहां तक बात है तो हम एक इदारा है आई फॉर्म के नाम से, वो एक इंटरनेशनल फेडरेशन इदारा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की फेडरेशन है और उसका हेड ऑफिस बॉन जर्मनी में है, हम उनके साथ रबते में हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन बहुत महंगी है, तो अगर हमारे साथ कोई एज ए इन्वेस्टर आना चाहे और इसमें हमारे साथ वो करे तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं, और बहुत और अपॉर्चुनिटीज है, हम जैसे हम गचक बनाते हैं एक प्रोडक्ट,
तो गचक जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, तो उसकी सिर्फ अगर पैकेजिंग का प्लांट अच्छा लगा हुआ हो और वो उसके अंदर में कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, तो वो हम जो यूरोप का स्टैंडर्ड है उसको अगर हम मीट कर जाते हैं, या वो अगर यूएई का स्टैंडर्ड है उसको हम मीट कर जाते हैं, या हम यूएस का स्टैंडर्ड है, तो उसमें सिर्फ एक आपका लॉजिस्टिक फिर हमारा रह जाता है, तो वो हम कर सकते हैं. सो आई थिंक बहुत सारी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तानी जो एक्सपैट्स हैं, या इवन जो पाकिस्तान से मतलब नॉन पाकिस्तानीज हैं कोई और नेशनैलिटीज के, तो वो भी आ सकते हैं इस चीज के अंदर, नहीं, बहुत बिल्कुल ज्यादा नहीं, फिर इसमें है. मैं उसमें सिर्फ आप ही की बात को ऐड करता हुआ चलूंगा। ये भी एक मिथ है, मैं आपको बताता हूँ इसलिए कि सर्टिफिकेशन वाला चक्कर भी जो है मुझे लगता है कि हमारे मुल्कों में चलाया जाता है। यहाँ पे इनका एक अदारा, जैसे मैंने पिछली दफा भी बात की, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड है। आप उनके पास जाते हैं, अपने फूड को देते हैं, उसको चेक करते हैं। आप रैंडमली कोई भी अपने 150 पैकेट्स में से कोई भी वो उठा लें तो उसकी यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेशन भी करा लें, जो किसी भी लेबोरेटरी से करवाई जा सकती है उसकी सारी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इन्होंने मिथ बनाई हुई है। हाँ, जब आप काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये काम कर रही हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से, आज का दौर तो वैसे ही फुटेज का दौर है, आप प्रोसेस से लेके सारी फुटेज कर लें, पैकिंग से लेके सारा कुछ बताएं, उसके बाद आपने उधर से लोकल लेबोरेटरी से भी चेक किया हो और ये सारी चीजें की हो, तो गवर्नमेंट वैसे ही बढ़ के आपको देगी। क्योंकि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के काम करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास वो या सोच नहीं है या वहां पे एक पैसा कमाने का एक जैसे बन गया है ना, वो बाय हुक और बाय क्रुक। दूसरा यह है कि मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की हाइजीनिक अवेयरनेस नहीं है। हालांकि वो काम कर रहे होते हैं लेकिन वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो अवेयरनेस नहीं है, जबकि अगर उनको अवेयरनेस हो तो वो लोग भी ठीक कर सकते हैं। आपको तो अवेयरनेस है, इसीलिए आपने ऐसे लोगों की, आपके पास मार्केट है जो इस बात को अवेयर है और इसीलिए आप अपनी मार्केट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क में वो एक बेपरवाह टाइप की एक एलिमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग एजुकेट हो रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि इसके साथ तो हेल्थ भी लगी हुई है, क्योंकि खाने से ही आपकी हेल्थ ठीक होती है, खराब होती है। आप तो अपना एक्चुअली 10 रुपये सस्ता लेके या नॉन प्रोसेस फूड लेके आप पता नहीं 2 लाख की बीमारी अपने साथ लगा रहे हैं, और वो आपकी एक ही झटके में निकलेगी, चाहे वो आपका बच्चा हो, भाई हो, खुद हो या कोई और हो। ये लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देने की बात है और ऑब्वियसली इस तरह की बात है, तो सर्टिफिकेशन का कोई मसला नहीं। लेकिन जो आपने बात की है बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का ऑर्गेनाइज वर्क नहीं होता, आप कर रही हैं, तो मेरी नजर में बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, बल्कि हम उनको इनकर्ज भी करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर के साथ हमारी लगी रहती है अक्सर, उनसे भी बात करेंगे भी। ये वो लोग हैं जो ट्रेंड हो गए हैं, जो काम करना चाहते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। इनिशियली हम कोशिश करेंगे कि आने वाले लिए फ्यूचर में आप लोगों को, एक तरफ जो इन्वेस्टर बैठा हो और आप लोग बैठे हो, और वो थोड़ा सा एक डिस्कशन लेवल बेटर हो जाए, तो ऑब्वियसली और डेफिनेटली बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और सिर्फ यही है प्रॉफिटेबिलिटी की बात, कि एक अच्छा प्रॉफिट हो, और जो यूके में बैठे लोग उनके पास एक एज है, या पूरे यूरोप में जो बैठे हुए हैं, कि वो अगर एक ऑर्गेनिक फूड वहां से प्रोसेस करके, इवन अगर यहाँ से उनको सर्टन मशीन भी चाहिए वो ले जाएं, तो वो ज्यादा बेटर मार्जिन कमा सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप जैसे एक्सपर्ट वहां पे मौजूद हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज है, लोग खुद भी बिजनेस कर सकते हैं। मैं ख्याल में उसकी तरफ थोड़ा सा आ जाए, मैं भी उसी बात पे चला गया, तो उसके ऊपर करें। बाबर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप इस पे कहें तो फिर हम बात को आगे चलाते हैं। आई थिंक बिल्कुल अरिफा, एक अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने हमने बात की थी मिडिल मैन की। मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी इन चीज़ों से वाकिफ हूँ, फार्मिंग भी करता हूँ, सेल्स वगैरह भी मैंने खुद मैनेज की हुई है, तो मेरे देखने में, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई थी कि हमारा जो मंडियों का निज़ाम है, और वहाँ पर होता यह है कि पीछे से एक 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 मटीरियल आ रहे होते हैं, मंडी में आके वो सब कंसोलिडेट हो जाते हैं, वो सब मतलब गधा जो है ना वो और घोड़ा जो है वो मिक्स हो जाता है, और पीछे से जो मर्जी क्वालिटी आ रही है वो मंडी में आके एक जगह पे आके मिक्स हो जाती है,
और फिर जब आगे वो रिटेल तक पहुंचती है और कंज्यूमर तक पहुंचती है तो किसी किस्म की ट्रेसेबिलिटी का कोई पॉसिबिलिटी मौजूद ही नहीं होती है कि आप ये देख सकें कि यार ये पीछे से किस फार्म से आ रही है और उस फार्म पे किस किस्म की प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है। वो कहीं ये तो नहीं है कि वो गंदे नाले का पानी लगा रहे हैं और तो वो सब्जी को तो जहरीला कर देता है, लेकिन ये कि वो दिखने में सब्जी दूसरी सब्जी से ज्यादा शक्ल में नजर आती है। तो ये जो हमारी मंडी का निज़ाम है ये क्वालिटी को का बहुत काम खराब करता है। इधर हैंडलिंग जो है वो भी बहुत मट्टियों से भरी हुई है और गंद से भरी हुई है। तो वो आपने ये किया है कि वो जो क्वालिटी आप अपने फार्म लेवल पे इंश्योर कर रही हैं, बजाय इसके कि मंडी में जाके वो गधा घोड़ा मिक्स हो जाए, आप उस क्वालिटी को ट्रेसेबिलिटी के साथ डायरेक्टली कंज्यूमर तक इंश्योर कर रही हैं कि कंज्यूमर तक पहुंचा हुआ एक एक दाना जो है वो आपके फार्म पे एक बेहतर सर्टिफाइड हो या ना हो लेकिन ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं, ये सर्टिफिकेशन से के आने से पहले ये प्रैक्टिसेस मौजूद थी, वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए मिडलमैन को जो कि क्वालिटी की बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं करता उसको निकाल के डायरेक्टली कंज्यूमर तक एक क्वालिटी की चीज पहुंचाई जाए। तो ये आपका बुनियादी बिजनेस मॉडल है जो मैं समझ सकूं कि इसको थोड़ा सा वेरीफाई करें कि कैसी तरह है चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली जब बाबर काम शुरू होता है तो उस वक्त आप कोई मॉडल किताबी तौर पे तो अडॉप्ट नहीं करते, आप एवॉल्व कर रहे होते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ करते हो, बट मोर और लेस जो आपने बात की है वो है यही बात। और जब आप कोई भी शख्स कोई भी ब्रांड बनाता है तो वो ये जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कन्वीनियंस की, तो इसमें ये कन्वीनियंस है कि आपकी वो जो एक ग्रेडिंग है वो आपके आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। सो मेरे पास जब हमने ब्रांड शुरू किया था तब लोग हम उस मंडी में नहीं जाते थे, हमारी एक फार्मर्स मार्केट लगती थी लाहौर में जो कि अब इसका ट्रेंड खत्म हो गया है, बिकॉज हर दूसरे बंदे ने हर तीसरे बंदे ने अपने ब्रांड के साथ ऑर्गेनिक भी लगा लिया, फार्म फ्रेश भी लगा लिया, प्योर भी लगा लिया, बट उसमें भी वो जो लोग खरीदने वाले थे चाहे वो मिडिल लोअर मिडिल क्लास से हो या मिडिल क्लास से हो या अपर मिडिल क्लास से हो, तो उसमें किसी भी वो स्ट्रेटा से हो, लेकिन उसको पता है अब कि मैं उस बंदे से तब मिला था या उसको वो वाले क्राइटेरिया पता है जो कि सर्टिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ही सर्टिफाइड हमारी वजह से हो चुका है। सो वो मिडिल मैन जो वहां पे बैठा हुआ जो आप बात कर रहे हैं वो आड़ती जिसको हम कहते हैं या जो आड़त का कारोबार कर रहा है या वो जो एक बंदा बैठा हुआ छाबा लेके उसने पांच या एक सैकड़ा वो किन्नू खरीद दिया है या उसने वो कोई पोटैटोज ले लिए तो वो आगे जाके बेच रहा है, तो उसमें वो डेफिनेटली हमारे वो हम उससे बचे में और हमारे क्लाइंट्स भी उससे बचे हैं। और उसमें ये कोई सबसे पहले तो हमने इंटेंशनल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जब हमें समझ आए कि ये हम अच्छा काम कर रहे हो और ये चीज है, हमने लोगों से बात की तो हमें समझ आए कि यहाँ दिस इज व्हाट पीपल वांट, दिस इज व्हाट पीपल आर गेटिंग यू नो अफ्रेड ऑफ कि हमारे बच्चे किसमें। और वो डिफेंस जैसे लाहौर में जो इलाका है उसका सबर्ब्स है उसमें एक स्कैम रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वाटर की, या एक उर्फे आम बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन में आ जाती जिससे लोग घबरा भी जाते हैं, तो उसमें है कि हम लोगों ने उस चीज को इंश्योर किया, उनको कहा कि विजिट करें आके देखें, हमने लाइव वीडियोस पोस्ट की क्योंकि वो ट्रेसेबिलिटी की बात है ना। अब अगर मेरी है तो नेचुरल प्रोडक्ट और वो अल्लाह ने बनाई है, अगर उसमें कोई चीज कभी कभार उसमें कोई बरसात में या कोई चीज में खुदा ना खास्ता कोई सुसरी जिस तरह कहते हैं अगर कभी कोई नजर आ भी जाए आटे में जो कि हमारी नहीं होती, लेकिन अगर वो पैकेजिंग में कहीं पे कुछ हो जाए कोई ऐसा पॉइंट आ जाए तो हमारा क्लाइंट हमारे साथ किस कदर जुड़ा हुआ है कि अगर वो कहता है तो हम उसको देखते हैं कि भाई ये कौन से लॉट से गया था, इसके साथ अगर हमने 10 किलो आटा पीसा था तो क्या बाकी जिनको गया है वो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, सो अगर नहीं आई है तो हम कॉल करते हैं खुद से कि आपको कोई ऐसी कोई कंप्लेन कोई फीडबैक, अगर नहीं होती तो वेल एंड गुड, अगर होती है तो फिर हमसे पूछते हैं कि भाई उसमें कोई क्या, फिर हम वो सारा रिट्रीव कर लेते हैं तो और हम उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये हमारी वजह से तो नहीं हुई लेकिन हो सकता है कि कहीं मौसम ऐसा है तो उसमें एक एरर का ऐसा चांस तो नहीं होता, बट ट्रेसेबिलिटी की बात मिडिल मैन के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है और मुश्किल जरूर है और काफी मुश्किल है और हैंडलिंग उसकी सबसे ज्यादा मुश्किल है। So, मैं अगर इस तरह सम अप कर सकूं आपकी सारी बात को कि जहाँ पे वो मंडी में जाना है और अगर 100 फार्मर में से एक भी
फार्मर है जो गलत काम कर रहा है या गंदा काम कर रहा है, वो मंडी में जाके उस एक फार्मर ने की प्रोडक्ट में मिक्स हो जाना है बाकी के 99 फार्मर्स की प्रोडक्ट के साथ। सामने चीज आनी है उसको किसी किस्म की श्योरिटी नहीं है कि पीछे से चीज जो है वो गंदे फार्मर की कौन सी है और अच्छे फार्मर की कौन सी है। आप क्योंकि आपका एक ब्रांड है, एक नाम है, एक पर्सनल रेपुटेशन है जिसको आप इंश्योर करती हैं, आपने बैचेस मेंटेन किए हुए हैं ताकि आप ये भी इंश्योर कर सके कि कौन सी चीज किस बैच में से निकल के जा रही है, तो आप ये कंफर्ट अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती हैं कि जो चीज हमारी तरफ से आ रही है वो जो दाना जब मिट्टी में डाला गया एक पौधे को उगाने के लिए, जो बीज डाला गया उस लेवल तक हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि ये हमारे फार्म से या हमारे सर्टिफाइड फार्म से, आउटसोर्स फार्म भी किसी ने किया हुआ तो वो आप तक पहुंच रही है और उसकी प्रैक्टिसेस ठीक है। इज दैट हाउ इट इज? जी दिस इज इट। मैं इसमें आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि गुड़ हमारी एक बहुत जो काला गुड़ जिसको कहते हैं ये जिसमें ये ब्लीच लीच डाला होता है जिसको सफेद गुड़ कहते हैं, वो नहीं हम बना देते और करते। तो हम लोग का जो है वो गुड़ है उसकी टेस्टिंग का एक सिस्टम होता है कि अगर आप उसको और शक्कर भी, और लोग समझते हैं कि ब्राउन शुगर और शक्कर एक चीज है बट वी आर ऑल्सो अवेयरिंग पीपल के दोनों एक चीज नहीं है। तो एक दफा हमारा वो गुड़ गया और उस गुड़ के अंदर एक स्ट्रैंड मिली, हमारे क्लाइंट ने कहा कि उसमें स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड थी किसी प्लास्टिक के। उन्होंने मेरे से, क्योंकि जब ऐसे कोई बात हो हमारा ओवरऑल सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे भी मैसेज आता है वो सब तक पहुंचता है, वो मेरे तक भी पहुंचता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे स्पेशली फीडबैक को। तो उसमें यह कि हमने जब उसको देखा तो उसमें देन आई कॉल दोस पीपल कि व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक, कैन यू डिफाइन इट, उसकी फोटोग्राफ। तो वो हमें समझ नहीं आया, वो ये समझ रहे थे कि शायद कुछ चिप ऑफ है किसी पैकेजिंग मटीरियल का या कुछ है। बट देन लकीली वो जो उनके हस्बैंड थे वो अल्लाह की तरफ से प्लास्टिक में, उन्होंने इंजीनियरिंग भी उनकी प्लास्टिक साइड के ऊपर ही थी, तो वो मेरे लिए तो वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई। वो पता ये चला कि वो जो गुड़ जिस बोरी में स्टोर किया था, जिसमें जब वो बन के उसकी वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वो पत होती है, वो जो एक कड़ाया होता है जिसमें उसको करते हैं, तो वो जिसमें उन्होंने उसको किया था, अव्वल तो हम जूट में उसको जूट की बोरी यूज करते हैं बट क्योंकि नमी चली जाती है तो उसको फिर एक बाहर जो है ना नायलॉन की जो हमारी दूसरी जो एक मिक्स मटीरियल आता है उसका थोड़ा प्लास्टिक उसमें शामिल होता है तो उसमें था। तो वो फिर हमने हिसाब लगाया कि गुड़ में कैसे जा सकता है, ये तो हमारी तो प्योरिटी की ये बात है कि हम तो मतलब इट वॉज लाइक कि किसी ने मुझे मेरे लिए कोई बात थी कि मतलब किसी ने मुझे कोई कर्स वर्ड यूज किया हो, इट वॉज एज बिग अ थिंग फॉर मी एंड फॉर माई ब्रांड एंड द पीपल वर्किंग विद। तो फिर हमने वो रियलाइज किया एंड आई सेड कि क्या वो किसी बोरी का हिस्सा हो सकता है अगर आप उस पर कहें, एंड देन ही सेड इमीडिएटली यस यू आर राइट यू गॉट इट। तो फिर हमने वो क्योंकि गुड़ की पेसियां होती हैं वो आपको पता है छोटे छोटे उसके बॉल्स होते हैं इररेगुलर साइज के, तो उसमें इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज हैजर्डियस, बट हमने वो बोला उनसे गुड़ वापस ले लिया और हमने उनको रिप्लेस किया विद द न्यू वन और उसमें हमने वी मेड श्योर कि नहीं हो। तो बेसिकली ये वो चीज है कि देखिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन आने का चांस है स्टोरेज में, बट दिस इज द काइंड ऑफ प्योरिटी जो आपने बात की थी कि ये एक ऐसी चीज है कि हम उसमें मिडिल मैन अगर होता तो वो ना उसको वापस करता, जी एक दफा की खरीदी हुई चीज वापस नहीं हो सकती, हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको एंड वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट, हमारी इनवॉइसेस वगैरह पे ये लिखा हुआ होता है कि वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट आफ्टर 24 आवर्स इफ इट इज ओपन, वी विल नॉट एक्सेप्ट द क्लेम इफ अ फूड आइटम इज ओपन, लेकिन ये कि उसके बावजूद वी सी टू इट एंड वी मेक श्योर कि ट्रेसेबिलिटी एंड व्हाटएवर दैट यू आर सेइंग। इसी वजह से क्योंकि मिडिलमैन को निकाला है तो उनको कन्वीनियंस तो मिले। जी इसमें मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ कि ये आपकी एक जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आप अपने क्लाइंटल को बिल्कुल हैप्पी रखती हैं और हर प्रोफेशनल लोगों को इसी तरह काम करना चाहिए और ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये तो एक स्पेसिफिक मॉडल है, दुनिया में काम होता है जैसे आपने कहा, थोड़ा सा एरर तो हर चीज में होता है, इट्स काइंड ऑफ डजंट मैटर व्हाट एवर यू डू, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में यही इम्पोर्टेंट है। ये छोटा सा मार्जिनल एरर दुनिया के बड़े क्लीन तरीन बिजनेस में भी हो जाता है, सो वो कोई ऐसी इशू नहीं है। ये आपने ठीक कहा कि आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप अपने कस्टमर को हर एंगल से सेटिस्फाई करती हैं, हालांकि जैसे आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो ये आपकी अपनी डिस्क्रेशन पे है कि नहीं, आपका कस्टमर अनहैप्पी नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है,
अग्री करता हूँ इसमें, और ये बड़ी जबरदस्त बात है। और मेरे ख्याल में लोगों को इन्हीं प्रैक्टिसेस से अगर वो काम करेंगे तो काम भी सक्सेसफुल होगा, आपको अपना पीस ऑफ माइंड भी होगा कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहे, आप कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। और पैसा कमाना ऑब्वियसली वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने अपने क्या कहते हैं घर भी चलाना है और चीजें करनी है। मैं चाह रहा हूँ जो आपकी सारी बातों से मैं, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी तो मैं भाग के उस तरफ चला जाता हूँ, यानी आपकी सारी बातों से यह है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जाके वहां पे काम कर सकता है। उसके जाने से दो एडवांटेज होंगे, अगर किसी को आपकी लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए वो भी दी जा सकती है, दूसरा के वो भी फार्मर से डायरेक्ट ले सकता है। और ये नहीं कि जो मंडी में माल जाता है वो सारा ही जैसे बाबा साहब कह रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी भी होती है, आप देख के वही है ना, आपने जो काम करना है आपने अगर पूरे ट्रक लेवल पे देखेंगे तो नीचे शायद उन्होंने गंदा माल रखा है या सुनिया छोड़ी हुई है, ऊपर शायद गोभी, वैसे ट्रेड भी कुछ ऐसी है वहां पे तो कुछ चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन सर्टन फ्रूट हमारा बहुत जबरदस्त है। जैसे भी आप लोग स्विट्जरलैंड की इनकी मिसालें दे रहे थे, ये लोग बहुत हाइजेनिक हैं लेकिन इनके पास है कुछ नहीं ना, ये तो इनके पास ना फ्रूट है ना कुछ है, ये हम लोगों के पास है, ये हमारे जो गर्म पानी कहा जाता है जो एग्जॉटिकनेस हमारी जमीनों में है इनके पास नहीं है, इनकी जमीनें तो नमक से भरी हुई है, ये तो ज्यादा आलू उगाते हैं या दो चार और सब्जियां उगाते हैं। इस मसले में पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है, पाकिस्तान का पानी बड़ा मीठा है, तो वहाँ के जो एक फूड है पूरी दुनिया में इसीलिए पसंद किए जा सकते हैं, तो इसीलिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्विट्जरलैंड। वो उनकी अपनी चीजें स्पेशलाइज हैं, जो वो करते हैं उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये चीजें जो बहुत ज्यादा नेचुरल है और लोग समझते हैं कि इनको इस्तेमाल करने के इनको बेनिफिट होगा, तो बिल्कुल हमारी बात आज निकली ही नहीं। दूसरी तरफ आखिरी 8-10 मिनट पे अगर आप दोनों एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं कि बताएं कि कोई भी ओवरसीज यूरोप में बैठे हुए, यूके में, कनाडा में, दुनिया के किसी कोने में, आप उनको क्या सजेशन देंगी, आप दोनों को छोड़ता हूं मैं। रिफा, मैं इसमें एक लेयर और ऐड कर देता हूं जस्ट टू मेक योर लाइफ अ लिटिल मोर एक्साइटिंग। आपने जो मशवरा देना है वो इस रेफरेंस में भी दें कि अगर उस आपके पास तो अपने फार्म्स थे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मुमकिन थी अपने फार्म्स होने की वजह से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर आने वाला बिजनेसमैन जो है उसके फार्म्स अपने ही फार्म्स मौजूद हैं। तो जो आपने मशवरा देना है उसमें दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखिए कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है और इस बिज़नेस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहता है या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहता है तो वो उसके लिए क्या एडवाइस है जिसके पास फार्मर्स तक है, फार्म खुद अपना फार्म लैंड नहीं है, वो क्या कर सकता है, तो ये दोनों चीजों को आप लेके आगे चलें। देखें बाबर, एक्साइटिंग तो है, डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है, उसके दो एंगल हैं, मैं तो आपको इस तरह से बताऊंगी। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो देखें अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान उनका मुल्क है, अगर वो पाकिस्तानी और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिर एग्री बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही कमिटेड लोग हैं और वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान से मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर उनके अंदर पेशेंस भी डेफिनेटली एक वर्च्यू है जो कि इसके अंदर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें नहीं आ सकते। सो बेसिकली उनके अंदर दो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्म है जिसको हम ठेकेदारी कहते हैं कि अगर आप जमीन नहीं खरीद सकते या आप उसमें टोटली अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लगाना चाहते तो आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, सरहद और सरहद केपीके में, इसीलिए दोबारा सरहद हेड केपीके, बलोचिस्तान या पंजाब आपका या कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, आप जिस भी पाकिस्तान के खत्ते में कोने में आप जाना चाहते हैं तो आप जाके वहां जमीन को कॉन्ट्रैक्ट ले में पे कर सकते हैं। वो बड़ा आसान है तरीका, बड़ा वजह है, हुआ हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हर सूबे का। तो उसके अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोई और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ना करें और सिर्फ आप कोई भी एक फसल ले लें या कोई भी एक फ्रूट ले लें या कोई भी दो फ्रूट ले लें तो आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, जो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज बहुत डेवलप है हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटीज हर रीजन की और एनिमल साइंसेज में भी जिसमें कैटल भी आ जाती है,
तो उसमें अगर आप आके उसमें इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली रॉ मटेरियल में उगाते हैं और उसको बनाते हैं, तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप वो जमीन खरीदते हैं तो तब तो आपके पास एक डेफिनेटली वो आप स्काई इज द लिमिट, तो वो आप तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें जो आप बाहर देख रहे हैं उनको रेप्लीकेट कर सकते हैं। आपके पास तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों से ज्यादा एक विजन है, क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान की बाबर जहाँ पे इस वक्त कमी है हमारे में, जिस तरह फहीम साहब ने भी कहा कि बात तो अल्लाह ने हमें पानी भी दिए हैं, हमें सब कुछ दिया है, लेकिन बात यह है कि इंडिया भी हमारे साथ ही है, और इंडियन पंजाब जो है वो उतना ही भरा भरा है जितना पाकिस्तानी पंजाब है। लेकिन वहां सिर्फ और जो एक एफर्ट, कोहेरेंट एफर्ट है, वहां पे एक दूसरे की हैंड होल्डिंग की जाती है, और जो बाहर से उनके एनआरआईज हैं तो वो इसी तरह से जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, हमारी भी उसी तरह हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, और जो फार्मिंग में आना चाहता है या एग्री बिजनेस वैल्यू चेन में आना चाहता है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो उगाए, उसमें वो उससे अगले वाला पोर्शन ले सकता है। आप उसमें बहुत अच्छे, आपने पिछले प्रोग्राम किए हैं, डिहाइड्रेशन की बात की है, पाकिस्तान से आज तक कोई डिहाइड्रेशन ऑफ मैंगो, वर्ल्ड क्लास मैंगो है, पर डिहाइड्रेशन प्लांट्स लोकली बहुत छोटे स्केल पे भी लग सकते हैं, बड़े स्केल पे भी लग सकते हैं, टोमेटोज हैं, देन बनानास हैं, तो हमारे पास मिर्चे हैं, हमारे पास तो हमारे बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। जो आपने बात की है कि मिडिल मैन को वो खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इफ दे वांट टू कॉन्ट्रैक्ट अ मिडिल मैन, तो वो मिडिल मैन एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, तो मिडिल मैन जो उसका लोकल पार्टनर होगा वो अगर उसको मिडिल मैन कंसिडर करता है, तो आई डोंट नो कि उसको आप कैसे बबल एक्सप्लेन करेंगे, बट वो मिडिल मैन वो नहीं होगा कि आप उससे चीज पहले, आप वो सेकेंड हैंड, मतलब ये कि आप एक बंदा उगा रहा है फिर आप उससे खरीद रहे हैं और वो फिर आगे उसको आप कह रहे हैं। सो आई वुड से कि लोकल पार्टनर जरूर होना चाहिए, कोशिश करें कि मिडिल मैन वो कहीं ना कहीं जो है ना वो मौका कम दें, क्योंकि जितना आप डायरेक्ट रहेंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट में वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज माय मैं आपकी बात को अपनी समझ के मुताबिक समराइज कर सकूं, फिर आप इंडोर्स करें कि क्या मैं ठीक समझाऊं बात को। सो बुनियादी तौर पे एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिसके पास ज़मीन अपनी नहीं है एग्रीकल्चर फार्मिंग की, तो उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो ज़मीन खरीद के काम कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़मीन को लीज पे लेके, जी और बहुत महंगी नहीं है, हमारी फार्मिंग लैंड तो काफ़ी सस्ती है, मेरे ख्याल से सालाना लीज जो है वो 35 से 40 हज़ार के बीच में है, तो कोई महंगा नहीं है ये फी एकड़। वो लीज पे लेके फार्मिंग करके फिर उसकी प्रोसेसिंग करके आगे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जिसकी तरफ आपने पॉइंट आउट किया वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, कि जहाँ पे आप खुद फार्मिंग नहीं करते हैं, एज अ प्रोसेसर आप एक फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट या एक बायबैक का अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ तुम उगाओगे अगर ये इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उगाई जाएगी, जो स्टैंडर्ड्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ उन SOPs के को फॉलो करके उगाई जाएगी, जो SOPs मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो इस तमाम इससे पैदा होने वाली फसल जो है उसको इस रेट पे मैं तुमसे खरीद लूँगा। तो वो एक 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 तरह का एडवांस अरेंजमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपके और फार्मर के बीच में, और उससे आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि फार्मिंग की प्रैक्टिस जो है उसी किस्म की हो रही है जैसी आपने अपने कस्टमर को कमिटमेंट दी होगी। और इन सारी चीज़ों से जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको जो ट्रेसेबिलिटी है वो आपकी इंटैक्ट रहती है और आपको मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी अपनी राय, जिन लोगों से मैं बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जो प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत करीब से जानते हैं, उनकी राय भी यही है कि एक तो क्वालिटी की इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन शायद इतना फिजिबल भी नहीं रहता एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, बेशक वो पल्प बनाने वाला हो, डिहाइड्रेशन वाला हो, कि वो मिडिल मैन से खरीदे। मिडिल मैन ने तो पहले ही सारा मार्जिन अपने बड़ा ठीक ठाक ले लिया होता है। तो बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम फार्मर से ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना रॉ मटेरियल खरीद लें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही उनको भी एज अ मॉडल सूट करती है। तो ये मिडिल मैन शायद उनको सूट ही नहीं करता, फिजिबल ही नहीं रहता। तो यही तीनों मॉडल आप भी ऑलमोस्ट रिकमेंड कर रहे हैं जी। तो मेरी गुजारिश है उसमें बाबर, मैं मेरी गुजारिश है, क्योंकि फहीम साहब बैठे हुए यूके से और लोग भी सुन लेंगे इंशाल्लाह, कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो हम लोग जिस तरह से भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कह लें लोकल मार्केट के साथ, या ये जो आपने मंडियों की बात की है,
उस सारे के साथ हमें एक अपने आप को एज अ ब्रांड भी एस्टेब्लिश किया और लोग कर रहे हैं। तो काइंडली जब भी अगर कोई बाहर से आता है तो वो आके जिस तरह हमने अपने छोटे दुकानदारों को मारा नहीं है, यानी कि उनके बिजनेसेस को हमने गंदा नहीं किया, अगर कोई उधर से परचेज करना चाहता है तो वो करे, तो लेट्स व्होएवर वांट्स टू कम, हम सबको एक फ्रेटर्निटी के तौर पे काम करना चाहिए, चाहे आप किसी लोकल पार्टनर हमारे जैसे किसी ब्रांड के साथ अटैच होते हैं या नहीं होते हैं, बट वी शुड ऑल वर्क एज अ फ्रेटर्निटी, वी शुड नॉट बी इन कॉम्पिटिशन, हमें एक दूसरे के साथ हैंड होल्ड करना चाहिए, ये ना हो कि हम जो लोकल हैं एक दूसरे के लिए जो है वो थ्रेट बने, बिकॉज इस तरह से किसी का भी कोई भला इंडिविजुअली भी नहीं है और पाकिस्तान का भी नहीं है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, मैं पाकिस्तानी ये बात करना चाह रही थी कि हम लोग ये इस तरह से हम इसको ना इसको इसको मद्देनजर, आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करते हुए, सिर्फ जो बात हो रही थी होता ये है कि आपने अगर कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस सूरत में मिडिल मैन को निकालते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए, या जैसे हमारे फार्मर को एक तरीके से सही कट नहीं मिलता उसको मिले, ताकि उसके पास जहाँ जो हमारी बिल्कुल जो नीचे ले मैन के लोग हैं उनके पास बहुत सारे मसाइल होते हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो थोड़े से कम्फर्टेबल लोग होते हैं। और ये नहीं कि मिडिल मैन के कोई अगेंस्ट बात है, अगर मिडिल मैन भी आपको चीजें बेटर सोर्स कर सकता है रादर देन आप उस तरफ जाए, सो वो नहीं है। सिर्फ जो ओवरऑल बात वो यही मुझे जो अभी तक समझ आई है कि आप जितने बीच में लेस काटेंगे उतने ही आप प्राइस इफेक्टिव हो जाएंगे, और अगर मजबूरी है ये तो नहीं कि जब लोगों की अपनी ग्रिप है उसे पता है कौन सी फार्म्स कहाँ लगी हुई है, जो यहाँ से जाएगा शायद वो इतनी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, उसको शायद मिडल मैन ही सूट करेगा, लेकिन ऑब्वियसली जब मिडल मैन डालेगा तो थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर जाएगी, और ये उसी तरह की बात है। जो ओवरऑल आपकी गुफ्तगू से जो बात मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में एक तो हाइजीनिक खाना, इसलिए ये आपकी मॉडल तो बहुत ही जबरदस्त है, और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग हाइजीनिक ही खाते हैं, वो अलहदा बात है कि उसकी क्वालिटी किसी की अच्छी है किसी की कम है या वट एवर इट इज, सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में फूड का क्राइसिस आने वाला है, आने वाले 15-20-30 साल जो उनसे हैं वो फूड के क्राइसिस की तरफ ही जाएंगे, और हमारा मुल्क उस हवाले से दुनिया में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क बनेगा, क्योंकि लोग ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, फूड के क्राइसिस आने वाले हैं पूरी दुनिया में, के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारी जो फार्मिंग की ग्रोथ वो कम है, तो हमें इस तरह की चीज इनकर्ज करनी है, वो हमारे मुल्कों की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है, और जो लोग इस बिजनेस में हैं दे आर ऑल इन गुड शेप, दे आर ऑल मनी मेकिंग, क्योंकि जो अर्ली बर्ड हो जाते हैं उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसमें दुनिया में अवेयरनेस है, लोग नेचुरल फूड खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें से बहुत अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। मैं आखिरी, क्योंकि हमारा टाइम तकरीबन ओवर हो गया, इसको हम आखिर में कंक्लूड करते हैं और अगली दफा इसके ऊपर और थोड़ी सी कि कैसे किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है उस पर करेंगे, तो आप दोनों पे छोड़ दो, बाबर आप शुरू हो जाए तो अरिफा से कर ले। जी, जैसे हमने इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, हमारा बुनियादी मकसद अरिफा को लेके आने का ये था कि एक रोल मॉडल के तौर पे आप लोगों के सामने, एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कुछ मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ी सी विजन उनके पास मौजूद है, और जैसे अरिफा ने पिछले प्रोग्राम में बताया कि ये कारोबार उसने अपनी पॉकेट मनी से शुरू किया, तो ये भी नहीं था कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके पास थी, लेकिन एक विजन थी, एक डायरेक्शन थी, मोटिवेशन थी, तो चंद सालों में इन्होंने बहुत मेहनत करके एक कामयाब बिजनेस को पाकिस्तान में खड़ा किया, फूड इंडस्ट्री में, फूड सेक्टर में खड़ा किया, जहां अपॉर्चुनिटीज वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो एक ये सक्सेस स्टोरी आपके सामने है इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के हवाले से, तो इसी किस्म के बिजनेस मॉडल में या इससे थोड़े से मुख्य बिजनेस मॉडल में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप इस सक्सेस स्टोरी को देखें, अरिफा को देखें, इनसे कंसल्ट करें और आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मेरी तो यही इसमें
जी बाबुल, थैंक यू, आपने आपने एफर्ट्स को प्रेज किया है लास्ट प्रोग्राम में भी, इसमें भी। लेकिन मैं बाकी जो जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, एज इन्वेस्टर देख रहे हैं या एज इंस्पिरेशन देख रहे हैं, मैं सारी उनको सिर्फ एक यही बात बाबुल एंड पे कहूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक बहुत, मतलब आपके लिए एक ऐसा, वो अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब उस वक्त करना चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला हमें ये मौका दे रहा है कि हम एक खुद, अगर जो हम अच्छा खाना चाहते हैं तो वो हम दूसरे को भी अच्छा खिलाएं, तो और हम उसके साथ मुंसलिक हो सकते हैं जमीन के साथ। मुझे तो वैसे भी थोड़ा सा जमीन के साथ तो ज्यादा ही, पाकिस्तानी लैंड के साथ, सॉइल के साथ एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो कि हर किसी को ही होना चाहिए, बट आई एम श्योर कि मैं अपने आप को ज्यादा समझती हूँ। तो उसमें यह कि आप लोग बस ये है कि अपना जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की हेल्प करें और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और एक दूसरे का साथ दें, और हम सब एक हैं। और क्योंकि महीना भी अगस्त का है, तो वी शुड रिवाइव आवर वाउज टूवर्ड्स अवर मदरलैंड। और एग्रीकल्चर से और एग्री बिजनेस से तो ज्यादा कोई चीज मदरलैंड से जुड़ी ही नहीं हुई है। तो बाबर जो आपने कहा है 100%। मैं आखिर में प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैं उसको बीच में लेके आया, आप लोग पढ़ें, और अगर उसको आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मैं शिव को 5-10 मैसेज ज्यादा नहीं करूंगा। एक मैसेज तो ये देख लीजिए, ओके, गवर्नमेंट ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मैसेज देख लेते हैं। जी, वो मिडल मैन जो होता है, वो मिडल मैन के बारे में तो सिर्फ इतना ही मैं कहूंगी, बाबर ने बहुत कहा, लेकिन मिडल मैन जो है वो बेसिकली आई वुड जस्ट से कि मिडल मैन, हर मिडल मैन, जैसे आपने भी, फहीम साहब ने भी कहा कि हर मिडल मैन बुरा नहीं होता, वो बेसिकली एक माइंडसेट है जो कि एक्सप्लॉइट वो भी किसी वजह से ही हुआ। तो आई एम श्योर कि मिडिल मैन के बेचारे के हम खिलाफ नहीं है, उनके सब उनके बगैर भी गुजारा नहीं है बहुत सारी चीजों में। जी ये कमेंट्स पढ़ ले, उसके बाद अगला कमेंट्स मैं लेके आता हूँ। ये भी सबसे बेहतर कमेंट यही है मेरी नजर में, ये सारे सारे कमेंट्स से बेहतर है ठीक है, आप ये सब कमेंट्स ले ले। तो बहुत शुक्रिया सफीना साहिबा, बहुत शुक्रिया। ओके, अब इसके बाद एनपी साहब है। ये एक अच्छा सवाल है कि बाबर, आई थिंक आपके लिए ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, यानी गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ फूड एंड हाउ इफेक्टिव दैट कंट्रोल बाय प्रोबेबली इज, आप बता सकते हैं इसको बेटर कि। इससे इससे एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इस पर अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो दिया जा सकता है। मुझे लग रहा है उस सवाल पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन लोगों की है कि चीजों को बेटर किया जाए, और ठीक ठीक सवाल है ये, कुछ ये चीजें। जो अभी, ये जो अभी सवाल है रिगार्डिंग फंड्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड स्टार्ट रेवेन्यू जनरेशन ऑफ अ मिडिल साइज ऑपरेशन, प्रोबेबली ही वांट्स टू से, उसमें ये है कि इसमें कोई आपको मतलब रूफ टॉप कोई बजट्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि आपका वो विजन क्या है। तो अगर आप बाहर से बैठ के काम कर रहे हैं तो आप किस प्रोडक्ट में आना चाहते हैं, वो क्या वैल्यू एडेड फूड सेक्टर की, जो हमारी फूड वैल्यू चेन है उसका वो कौन सा हिस्सा है, अगर वो फार्मिंग का मतलब उगाने से लेकर के तो वो एंड मार्केट में, मतलब इवन रेस्टोरेंट को जो फूड जाता है वो भी तो हमारे पास से जाता है ना, उसमें ऑर्गेनिक हो या कोई और फार्म फ्रेश हो, तो वो आप किस में है, तो उस पर डिपेंड करता है बजटिंग क्या है आपकी, उसमें फंडिंग क्या है। लेकिन अगर एक मिडिल साइज की बात करते हैं तो आई थिंक के डॉलर रेट पाकिस्तान का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलती रहती है, तो वो उसकी फिजिबिलिटी हम बना सकते हैं, बिजनेस प्लान बना सकते हैं, अगर हमसे या समीडा से ये जो अदारे हैं, बाबर ने उनका जिक्र पहले भी किया हुआ है प्रोग्राम में, आई थिंक वो देख सकते हैं आप वो वाला प्रोग्राम। तो बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो हम ये काम करते हैं, प्रोबोनो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी कंसल्टिंग फर्म को रब्ता करेंगे तो हम वैसे भी आपको बना के दे सकते हैं। तो बाकी है कि पैसा मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ कि 5 लाख रुपया, जो आज की बात हम करें, 5 लाख रुपए से लेकर के तो जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जमीन की कॉस्ट के अलावा है, एक जमीन की कॉस्ट इसमें कतई तौर पर शामिल नहीं है। इसमें हम वो जो बाबर ने बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीजिंग हो गया, या आप किसी किसी लोकल पार्टनर के साथ करते हैं, ये उसके बगैर है। ये एक बहुत छोटा सा, मैं स्मॉल साइज की बात कर रही हूँ, मीडियम तो इससे सारी बातें बड़ा हो। सही, बाबर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? ये जो सवाल
अगर आप देना चाहें जवाब या मैं देता हूँ, एक इस सवाल को देख लें। जी मैं इसका बिल्कुल जवाब मेरे पास है। पाकिस्तान के अंदर जी कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का निज़ाम एक ला के इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, उसका नाम था ग्लोबल गैप, ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये बहुत महंगा है, बड़े फार्मर्स के लिए बनाया गया। ये यूरोप और अमेरिका से ये निज़ाम चला है, वहाँ पे फार्म्स के साइज बड़े होते हैं। तो यहाँ देखा यह गया कि ये निज़ाम बहुत सारे फार्मर्स के लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं था कि एक तो बहुत महंगा था और बहुत बड़ा फार्म होने की ज़रूरत है इस किस्म के सिस्टम को होने के लिए, और फिर आगे अगर इतना महंगी कॉस्ट अपफ्रंट हो जाए तो वो फार्मर आगे बेचेगा क्या और कमाएगा क्या। तो पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट एक पाक कैप, पाकिस्तान गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश शुरू की है। एक अदारा है जो अभी 6-8 महीने पहले ही, मैं उस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ही काम कर रहा था, जिसका नाम है पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पामरा। ये पामरा नाम का एक अदारा नया बिल्कुल फॉर्मुलेट किया गया, जिसके बहुत सारे और फंक्शंस के अलावा एक प्राइमरी फंक्शन ये भी है कि उसने पाक गैप के स्टैंडर्ड्स को बना के पाकिस्तान में उसको आम करना है, उसको उसकी एडवोकेसी करके उसको लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर भी इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर सके और उसकी एक डिमांड भी कंज्यूमर्स में जनरेट की जा सके। इसके अलावा जो प्रोसेसर के एंड पे सर्टिफिकेशन है हैसप, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और हमारे प्रोसेसर अक्सर स्ट्रगल नहीं करते उनके, वो बड़े क्योंकि प्रोसेसर जो है ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनके यूनिट थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनको हैसप सर्टिफिकेशन को अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो जो इंटरनेशनल हैसप सर्टिफिकेशन है वो पाकिस्तान में पॉपुलर है, एक्सरसाइज हो रहा है, तो वहाँ पर हमें कोई नया लोकल स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि फार्मर लेवल पे ग्लोबल गैप का ऑल्टरनेट पाक गैप के नाम से इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ये प्लान में है पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे एटलीस्ट, और प्रोसेसिंग में हैसप का स्टैंडर्ड ऑलरेडी मौजूद है और फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त अथॉरिटी अपनी जगह पे मौजूद है जो उसके अलावा स्पॉट इंस्पेक्शन। बिल्कुल सही, जैसे अभी आपने जिक्र किया और मैं हरीफा ने जो बात की बड़ी जबरदस्त की है कि यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बड़े इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन वो 10-20-30 हज़ार पाउंड की इन्वेस्टमेंट उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है। मैं उनके सिग्नल का मसला हो गया। अच्छा, उनकी कोई 10-20-30 हज़ार पाउंड कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो छोटे और वो लोग बड़े एंथुसियास्ट हैं क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो जाके कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। साथ उनमें यही है कि अगर उनके पास 20-30 हज़ार पाउंड की इन्वेस्टमेंट है तो वो उसकी एक अच्छी रिटर्न भी ले ले। और जो ये बात तो की है कि बिल्कुल छोटे मॉडल्स भी मौजूद हैं और उसमें सक्सेसफुल रेट है, हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बात की कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली हॉर्टिकल्चर के हवाले से, क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ और उस पर जो भी काम करेगा तो इंशाल्लाह उसको अच्छी रिटर्न मिलेगी। मेरे ख्याल में इसी पर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम नॉर्मल से थोड़ा सा आगे चला गया। बहुत शुक्रिया बाबर आपका और अरीफा का, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं अगले ट्यूसडे मैं और बाबर मलिक के साथ, और कोई ना कोई और मेहमान होगा और हम इसी तरह की बातों को आगे लेके चलेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए नया दिन टीवी।